डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन इफेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था, n प्राकृत संख्याओं का योग। फिर उसके बाद हमने देखा n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। आज हम देखेंगे n प्राकृत संख्या के घनों का योग। जैसे n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू हमने कौन सा फॉर्मूला लिए थे, n प्लस वन अपॉन टू। फिर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग Sn इक्वल टू था n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। आज हम सीखेंगे n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग Sn इक्वल टू। अब देखिए ये भी क्या होती है, इसमें ये प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। हमने आपको बताया कि प्राकृत संख्या है, एक से स्टार्ट होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसमें क्या है, हमें प्राकृत संख्या के घनों का योग। घन मतलब क्या होता है, घन मतलब क्या होता है, क्यूब। मतलब एक पे थ्री की पावर तीन की पावर, एक पर तीन की घात को घन कहा जाता है। किसी भी संख्या पे तीन की पावर को, तीन की घात को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब हम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जैसे हमारे पास दे दिया है वन क्यूब टू क्यूब, एक का घन प्लस दो का घन प्लस तीन का घन प्लस चार का घन प्लस n का घन। अब देखिए एक से लेकर के n तक की संख्याओं का हमको घनों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, Sn इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू पे पूरे पे टू की पावर, पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या है, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का एक फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला है, जिसे Sn इक्वल टू क्या होगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू पे ये पूरे पे टू की पावर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, ये फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल में हम लिखते हैं, हम लेते हैं जैसे एक से लेकर के 50 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमारा क्वेश्चन बन जाएगा वन क्यूब एक का घन दो का घन प्लस तीन का घन प्लस चार का घन 50 का घन तक की संख्याओं का हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास देखिए n की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, क्योंकि हमको 50 तक की संख्याओं का घन निकालना है। तो n की वैल्यू 50 रख के हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो रखिए जैसे हमारे पास दिया है Sn इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू पे टू की पावर, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं n की, तो 50 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू पे टू की पावर
25 इंटू 25 स्क्वायर होगा और 51 स्क्वायर होगा। तो देखिए 25 स्क्वायर 25 इंटू 25 क्या होता है 625 इंटू 51 इंटू 51 क्या होता है बताइए, 51 का क्यूब क्या, 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601। अब इनका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 1625625। ये आपका क्या होगा एसएन की वैल्यू आ गई, मतलब 1 से लेके 50 तक की इन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हो, क्या आ गया 1625625, क्या होगा 1625625 हमारी वैल्यू निकल गई। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालते हैं। इसके यहाँ पे हमने 50 लिया है, आप यहाँ पे 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो, आप जो भी जहां तक की भी संख्या का योग ज्ञात करना है आप उसको लेके रख के आराम से इसे क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक्स।